अवस्था में खतरे के लक्षणों की पहले से जानकारी रखें। सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान देना है कि अनीता कोई भी भारी काम ना करे और उसे पूरा पूरा आराम मिले और वो खाना भी ठीक से खाए। गर्भावस्था में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर योनि में जलन और ज्यादा खून का आना, अगर ये लक्षण दिखता है तो तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। थोड़ी सूजन तो होती है, लेकिन अगर इसके साथ ही सांस लेने में कमी हो या सांस उखड़ने लगे या सांस लेनी मुश्किल हो या फिर अचानक से नजर धुंधली हो जाए, तो ये सभी खतरे के लक्षण हैं। अभी जो भी मैं लक्षण बता रही हूँ, इसका पता चलते ही तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है और घरेलू नुस्खों में पढ़कर किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी है। अगर बार बार बुखार आए या चक्कर आए या ज्यादा उल्टियां हो, तो ये सभी खतरे के ही लक्षण है। और साथ ही अगर पेट में बच्चे की थोड़ी हलचल बंद हो जाए तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। ज्यादा दर्द होना भी खतरे का एक लक्षण है और इसकी जानकारी तुम दोनों को होनी चाहिए। अगर तुम अपना ध्यान रखोगी, अपने खान पान पर ध्यान रखोगी, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा।